वो 25 की होगी या 24 की भी हो सकती है। तो सरकार की तरफ से ये हुक्म है कि हम लॉकडाउन का पूरा पालन करें, लॉकडाउन 31 मई तक लगा दिया गया है, तो उसके हिसाब से हमने एक अपील और भी जारी की है और आपके माध्यम से हम और अपील जारी करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने घरों के अंदर रहकर नमाज पढ़ें और कोशिश करें ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों पर रहें, इधर उधर फजूल लगों में और रिश्तेदारों में आना जाना भी न करें, क्योंकि इंसानियत के लिए जरूरी है ताकि हम देश के अंदर एक अच्छा मैसेज आए कि हम लोग एक अमन पसंद शहरी हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी किस्म का कोई मामला पेश आए और उससे कोई लोगों को और मुल्क को हमारी परेशानी का सामना हो। तो हमने अपील की है कि लोग अपने अपने घरों के अंदर, चार आदमी हो पांच आदमी हो, वो एक जगह रहकर घर में नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिदों में और ईदगाह के अंदर इस दफा इंशाल्लाह ईद की नमाज हम लोग नहीं पढ़ेंगे ताकि इस बीमारी से महफूज रह सकें और हमारी तरफ से किसी किस्म का किसी भी आदमी को, समाज को और मुल्क को कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना। इंशाल्लाह हम इसका पूरा पालन करेंगे और हमारे लोग इसका पूरा पालन करेंगे कि लोग अपने घरों पर नमाज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपने रिश्तेदारों से अजीजों से न मिलें।